नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। ये स्टॉक 10 रुपए 60 पैसे के ऊपर ट्रेड करा है। मार्केट में इसने आज जीरो मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 5,687 करोड़ की है। प्रमोटर होल्डिंग 44.10% की है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखा जा सकता है। बुक वैल्यू की बात करें तो -10.60 रुपीज की है। जितने की अभी ये जितने प्राइस पे ट्रेड करा है उतना ही बिल्कुल ही माइनस में इसकी बुक वैल्यू है। सो बेसिकली बात करें इसके सेक्टर की तो सेक्टर इसका काफी अच्छा है। ये पावर जनरेशन में है। आप ये देख सकते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। तो प्राइवेट जो है सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी क्या, इंडिया वन ऑफ लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है जो पावर जनरेशन के सेक्टर में है एंड काफी अच्छा सेक्टर है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी मोटा मोटा देख लेते हैं फंडामेंटल्स। तो ये स्टॉक जो है 50 और 200 EM में से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लास्ट ईयर जून में 4.85 रुपए पे, 4.85 रुपए पे इसने गोल्डन क्रॉस दिया था एंड तब से आप देख लीजिए कितना अच्छा मूव दिया है इसने। पीई यहाँ पे दिखाई नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी तगड़े तरीके से हिला हुआ है एंड सेल्स जो है थोड़ी सी यहाँ पे गिरी, बट इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट तो माइनस में ही आया है, बट पिछले क्वार्टर से कम माइनस में आया है जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स जरूर इंक्रीज हुई है, उसी के साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं पिछली बार से, मतलब जो जितनी सेल्स इंक्रीज हुई है पिछली बार के कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। उसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर से अच्छा आया है, बट नेट प्रॉफिट जो है अभी माइनस में ही है। अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी ने जरूर ग्रोथ करी है क्योंकि माइनस में ये कम आया है, ठीक है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। देखिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि ये स्टॉक सेक्टर बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है एंड दिख भी रहा है वो उनके चार्ट पे, जो उनके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसमें दिख भी रहा है। बहुत छोटे माइनस में अभी, बट अच्छा है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा सा ऑपरेटेड लगता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि इस स्टॉक में अपनी बहुत सारी संपत्ति ना लगाएं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है बहुत सारी ना लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक अगर क्योंकि अगर तुम ऑपरेटर्स उठा सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऑपरेटिंग लगता है, हो सकता है ये ना हो, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है ये, मेरी अपनी एनालिसिस है कि मुझे लगता है, हो सकता है ना भी हो, वो आपकी मतलब अपनी, जैसे मैं बोलती हूँ अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए फिर इन्वेस्ट करिए। तो ऑफकोर्स आपका पैसा है, आपने अपना दिमाग भी तो ऑफकोर्स लगाना ही है उसमें, ठीक है। तो अभी की बात करते हैं कि हम इसमें क्या देख सकते हैं, मार्केट में क्या हुआ। तो अभी देखिए वॉल्यूम ना काफी ड्राई अप हो चुका है, 10 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है, 1 करोड़ के आसपास का, एंड जब ये अपने बूम पे होता है तो ये मतलब 20-20 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देता है। तो अभी के लिए उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड करा है। पुरानी वीडियो भी जब मैंने बनाई थी तो मैंने उसमें भी बोला था कि थोड़ा सा ऑपरेटेड लगता है एंड अभी ये स्टॉक काफी भाग भी चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। एंट्री की बात करें तो एंट्री से पहले पहले हमें देखना पड़ेगा बीएससी पे क्या न्यूज है एंड इसका प्राइस बैंड कितने का है। तो चलिए चलते हैं हम बीएससी पे। तो हम आ चुके हैं बीएससी पे। बीएससी पे आप देख सकते हैं एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है। ये काफी खतरनाक स्टेज होती है। इन स्टेज में यूजुअली 90 डेज के लिए स्टॉक रहता है, उसके बाद देखती है सेबी की जो ये एक्स्ट्रा इस पे वो नजर होती है एंड फिर देखते हैं कि कहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये लगता है मुझे कि थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है स्टॉक, तो सेबी भी यही देखती है कि मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा, कुछ ऑपरेटर्स कुछ खेल तो नहीं रहे स्टॉक के साथ, तो वो सब कुछ देखा जाता है। अगर उनको तसल्ली होती है कि नहीं हो रहा तब वो एएसएम से निकालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्वेलांस होता है ये। तो 5% का इसका बैंड है एंड अभी बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट के बाद कोई भी न्यूज नहीं आई है जिसका इसके प्राइस पे अप या डाउन मूव में कोई फर्क पड़े, ठीक है। तो फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि ऑपरेटेड लगता है मुझे स्टॉक, तो किसी भी स्टॉक के लिए ना बैंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जिसने भागना है ना वो भाग भी लेता है बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। तो आज इसने कोई भी मूव नहीं दिया है, कल ये फ्राइडे को 0.93% का इसने मूव दिया था एंड मतलब भागने की तो इसने ऊपर कोशिश करी है बट क्लोजिंग इसने फिर से नीचे ही दी है, ठीक है। ओपनिंग की बात करें तो इसकी कल पिछली बार स्टॉक क्लोज हुआ था
10.60 पे एंड इस बार ओपनिंग हुई है इसकी 10.85 पे, तो ओपनिंग क्लोजिंग से ऊपर हुई है एंड फिर ये डाउन ही गया है, सेलर्स एक्टिवेट रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जैसा कि मैंने बोला रेजिस्टेंस है यहाँ पे एंड वहीं से रिजेक्शन लेके आया है। तो एंट्री की बात करें तो देखिए पहली बात तो बड़ी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी चाहिए इसमें क्योंकि ऑपरेटेड है स्टॉक जो मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड करा है तो मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री की तो मैं कभी भी नहीं लेती अगर मैं होती यहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री थोड़ी सी ली जा सकती है यहाँ पे, मुझे लगता है कि इस चैनल में ही ट्रेड करेगा पर थोड़ा थोड़ा क्योंकि आप देखेंगे तो हायर हाइज एंड हायर लोज ये बना रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है इसमें मूव। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अगर एंट्री बनानी होती तो मैं यहाँ पे बना लेती क्योंकि मुझे लगता है रेजिस्टेंस एक दो दिन में ये तोड़ देगा एंड उसके बाद ये थोड़े से मूव दिखाएगा। ठीक है, रेस्ट जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।